एक YouTube वीडियो अच्छा कैसे दिखना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि आपको वीडियो अच्छे से कैसे रिकॉर्ड करना है, ऑडियो अच्छे से कैसे रिकॉर्ड करना है। जब आप इसको अपलोड करते हैं तो एक और चीज है जो सबसे पहले लोगों के सामने आती है, वो है आपका थंबनेल। अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि लोग उसके ऊपर क्लिक भी करेंगे या नहीं करेंगे, अगर ऐसा हुआ कि वीडियो काफी सही है, ऑडियो काफी सही है, पर थंबनेल ऐसा है कि लोग उसके ऊपर क्लिक करना ही पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी मेहनत ना वेस्ट हो जाती है। इस वजह से थंबनेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने लैपटॉप या फिर फोन को यूज करके तीन तरीके बताने वाला हूं आप अमेजिंग थंबनेल बना सकते हैं जो इतने अट्रैक्टिव होंगे कि आपको डेफिनेटली काफी अमेजिंग व्यूज आने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल पैसा वैसा से और मैं आपका स्वागत करता हूं एपिसोड 13 ऑफ हाउ टू ग्रो ऑन YouTube, जहां पे आज वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू क्रिएट थंबनेल्स। उसके पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हमारा एक गिव अवे चल रहा है जो कि है माइको ट्राइपॉड का। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जो कमेंट करना चाहें कर सकते हैं। इस सीरीज के सारे एपिसोड्स में अगर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो आपके लिए चांसेस और इंक्रीज हो जाएंगे विन करने के लिए। अब क्योंकि मैंने आपको मेंशन किया था कि मैं यहाँ पे तीन तरीके बताने वाला हूँ थंबनेल्स को बनाने के लिए, तो पहला जो तरीका है वो ऐसा तरीका है जिसमें आपको किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट की और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। वो जो चीज होगी वो ऐसे ऐप को यूज करके होगी जो प्रीटी श्योर 99% लोगों के फोन में ऑलरेडी होगी। दूसरा तरीका एक ऐसे ऐप या फिर वेबसाइट बेस्ड प्लेटफॉर्म को यूज करके थंबनेल बनाना जो काफी पॉपुलर है। और तीसरा एक सॉफ्टवेयर को यूज करके जो आप लैपटॉप या कंप्यूटर में कर सकते हैं। बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट, मैं आपको एक अमेजिंग टिप दे देता हूं जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं काफी सालों से कि आपको थंबनेल एक्चुअली में शूट करना कैसे है। क्योंकि ऑफकोर्स थंबनेल के लिए आपको एक फोटो की जरूरत होगी, अगर वो नहीं होगा तो आप कस्टमाइज थंबनेल नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज करने के लिए मैं नॉर्मली क्या करता हूं कि मैं ना फोटो शूट नहीं करता हूं। जैसे मान लो अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करते करते मैंने अपना मुंह बंद रखा, जिस पर्टिकुलर स्टाइल में मुझे एक्ट करना है कि भाई ठीक है मुझे यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद मैं अगर मुझे ऐसे करना है, मैं ऐसे करके वहां पे पॉज कर दूंगा। ये किया, अब ये जो पॉज है मैं इसी को यूज करूंगा वीडियो में। जब ओपन करूंगा तो जब वो वीडियो में वाला पार्ट आएगा तो मैं उसको पॉज करूंगा, फुल स्क्रीन करूंगा और उसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा, उस स्क्रीनशॉट को सेव कर लूंगा। अब मैं आपको वही चीज दिखाने वाला हूं जब हम फोटोशॉप में जब एडिट करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं जो वो पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट्स हैं उसको कैसे यूज करता हूं। सबसे पहले तरीके की बात करते हैं, उस चीज के लिए मुझे अपने फोन की जरूरत होगी और फोन को यूज करके आपको ओपन करना है इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम ओपन कर ही लिया तो सबसे पहले ना मुझे फॉलो कर देना अखिल खत्री, जो हमारा यूजर नेम है, जाओ सर्च करो और फॉलो कर लेना। अब आप ये सोच रहे कि भाई इंस्टाग्राम पे कौन से थंबनेल बनते हैं। देखो ये जो तरीका है ना, ये मैंने काफी टाइम पहले किया था, ऑलमोस्ट 2 साल पहले किया था और मैंने काफी लोगों को इस चीज को शेयर करानी था। अब ये जो तरीका है ना, ये काफी लोगों को इसलिए हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इंस्टाग्राम आपके फोन में ऑलरेडी होगा। और आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल अपने जो स्टोरी सेक्शन है आपको वहां पे जाना है और वहां पे जाने के बाद में यू विल हैव टू स्वाइप अप, जो फोटो आप एज अ मेन बैकग्राउंड चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। वो करने के बाद में अब आप वहां पे जो नॉर्मल जो उसका ओरिएंटेशन है ना, वो उसका ऐसा रखना कि लंबा हो, मतलब कि आपके पूरे फोन में फिट हो जाए। अब जो भी एडिट करना चाहते हैं वो अपने फोन को टर्न करके और जो भी चीजें आप करना चाहते हैं, अगर कोई वहां पे जिफ डालना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट डालना चाहते हैं, या फिर अगर कुछ कलर डालना चाहते हैं, या फिर कुछ इफेक्ट डालना चाहते हैं, इस तरीके से जो भी चीजें आप डालना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एंड यू कैन एक्चुअली गेट एन अमेजिंग थंबनेल देयर, जो काफी अच्छे तरीके से आप इस चीज को बना पाएंगे। और इसका जो लेआउट होता है वो भी एग्जैक्टली वही लेआउट होता है, मतलब जो रेजोल्यूशन होता है जितना आपको चाहिए उतना ही होता है जितना थंबनेल के लिए जरूरत पड़ती है। और ये सारी चीज आप कर लेंगे उसके बाद में जस्ट मेक श्योर यू आर सेविंग इट, और जब आप उसको अपलोड करेंगे वीडियो को नेक्स्ट टाइम पे तो यहां से आप थंबनेल को यूज करके उस चीज को अपलोड कर सकते हैं, जो काफी सिंपल तरीका है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है क्योंकि काफी क्रिएटिविटी आप यहां से दिखा सकते हैं। काफी सारे एक्स्ट्रा ऐसे फीचर्स हैं जो आपको इंस्टॉल करने के लिए कुछ भी करने के लिए जरूरत नहीं है, सबके सब पूरी क्रिएटिविटी भरी पड़ी है इसके अंदर, जो यूज करना चाहो आप कर सकते हो। अब दूसरा जो तरीका है उसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलना चाहूंगा, अगर आप चाहें तो अपने फोन की स्क्रीन को यूज करके भी आप कर सकते हैं, जो कि है कैनवा। अगर आप चाहें तो canva.com ओपन कर लीजिए, नहीं तो आप कैनवा की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन पे, और जो फ्री वाला वर्जन है दैट इज गुड इनफ। मैं यहाँ पे सर्च में जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा YouTube थंबनेल, और ये लिखने के बाद में आई जस्ट क्लिक हियर। जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूंगा तो मेरे पास में बहुत सारे डिजाइन आ जाएंगे। इतना मेक श्योर करना कि यहाँ पे लेफ्ट में जो आपको फ्री एंड प्रो दिया हुआ है इसको सिर्फ फ्री को सिलेक्ट कर लो, ताकि जो फ्री वाली चीज है ना वही सामने आएगी। ऐसा नहीं होगा कि प्रो कुछ पसंद आ जाएगा बाद में पता लगा भाई ये तो प्रो है। अब यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरीके का थंबनेल बनाना चाहते हो आप कर सकते हो। मान लो से फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे इन सब में से चूज करना है एंड आई एम नॉर्मली मे बी से पिकिंग दिस वन, अगर मुझे ये पसंद आ रहा है, ये चीज करने के बाद में अगर मुझे यहाँ बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है जो एक्चुअली में मेरी खुद की होनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि इतना जितना कस्टमाइज होगा उतना अच्छा रहेगा। आप लोगों ने हमारे चैनल के थंबनेल देखे हुए हैं,
तो यहाँ पे मान लो, से फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई चीज़ ऐड करनी है, मान लो ये वाला जो फोटो है ये मैं उठाता हूँ और यहाँ पे लाके इसको यहाँ पे ऐसे थोड़ा फिट कर लेते हैं, और इसकी जो पोजीशन है इसको मैं थोड़ा बैकवर्ड कर देता हूँ, बैकवर्ड बैकवर्ड, और इस फोटो की आखिर में ज़रूरत नहीं है अभी, तो इसको एक बार और बैकवर्ड करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, नहीं ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ करने के बाद में वॉट आई कैन डू इज़ आई कैन एक्चुअली मेबी से फिट इन दिस वन, ताकि ये यहाँ पे बराबर लग जाएगा। अब इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा इधर मूव करना चाहता हूँ तो ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट इज़ वेल, तो उस चीज़ के लिए मैं इसको ऐसे मूव कर लूँगा, और अगर इसको वापस से थोड़ा सा क्रॉप करना है, जैसे अगर उसको वहाँ पे उसी स्टाइल को अगर मुझे फिट करना है तो मैं ऐसे कर लूँगा। यहाँ पे अगर मान लो कि अपना है ये PW, अगर मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ तो, और बाकी अगर मान लो कि ये है माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो, ये चीज़ को अगर फिट करना चाहूँ थोड़ा और तो ऐसे कर सकता हूँ, या फिर इसको अगर वैसे ही रखना देना है तो वैसे रख सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, और ये जब चीज़ हो जाएगी तो उसके बाद में मेरा सजेशन रहेगा कि आप यहाँ पे डाउनलोड के बाद में यहाँ पे इस पर क्लिक मत कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है, स्पेशली जब आपकी PNG फाइल सेव होती है तो आपके लिए काफ़ी बेहतर हो जाती है चीज़ें। अगर वो PNG फाइल में सेव नहीं होता है तो आप डाउनलोड ही कर लीजिए, तो ताकि सीधा रहेगा, क्योंकि यहाँ की PNG फाइल भी जो रेजोल्यूशन होती है वो कहीं ना ख़राब हो जाता है, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है कैनवा में। पर अगर आप इसको फ़ोन में यूज़ कर रहे हो तो फ़ोन में स्क्रीनशॉट मत लेना, इसको डाउनलोड ही कर लेना, और वो जो फाइल आपके पास में आ जाएगी अब आप उसको थंबनेल की तरह यूज़ कर सकते हो। अब जो तीसरा हमारा तरीका, उस चीज़ के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी अपने लैपटॉप पर, क्योंकि फोटोशॉप मेरे पास में इसी में इंस्टॉल्ड है और मैं ओपन कर लूँगा फोटोशॉप। हाँ, तो मैं हूँ अभी हमारे फोटोशॉप स्क्रीन पर मेरे लैपटॉप में। मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ, क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा ओके। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, चलो दोबारा से करते हैं। फाइल, न्यू, और ये चीज करने के बाद में यू विल हैव टू मेक श्योर कि यहां पे राइट साइड में आपने पिक्सल सेलेक्ट करा हुआ है। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद में विड्थ आपकी होनी चाहिए 1280 और हाइट आपकी होनी चाहिए 720। इतना ध्यान रखना है क्योंकि यही साइज होता है थंबनेल का। वो चीज करने के बाद में यू कैन जस्ट हिट ऑन क्रिएट, वो करने के बाद में आपके पास में ऐसा वाइट सा कैनवस यहाँ पे नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो मुझे स्टार्टिंग करनी है वो ये करनी है कि मुझे सबसे पहले एक फोटो चाहिए। तो मान लो से फॉर एग्जांपल अभी हमारा परसों वाले वीडियो का जो थंबनेल था ये, तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पे फोटो को शूट करके रखा हुआ था। हाँ, तो जो मैं आपको बोल रहा था कि जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये वही स्क्रीनशॉट है वीडियो के बीच में से लिया हुआ। तो ये जो स्क्रीनशॉट है इसको मैं यहाँ पे ऐसे सेव कर लेता हूँ, मतलब जिस तरीके से मुझे इसको साइज वाइज रखनी है उतना रख लेंगे। मान लो इसको मेरे को यहाँ पे रखना है, थोड़ा उसको और नीचे कर लेते हैं, एंड दिस इज लुकिंग गुड इनफ टू मी। अब अगर मुझे इसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो ऑफ कोर्स मैं उसको कर सकता हूँ यहाँ पे। बाकी बहुत ज़्यादा चेंजेस मैं नॉर्मली करना पसंद नहीं करता। और यहाँ पे उसके बाद में आप टेक्स्ट में आएंगे, टेक्स्ट में आने के बाद में से फॉर एग्जांपल टेस्ट थंबनेल। अब ये जो चीज़ है, किस तरीके का आप यहाँ पे फॉन्ट चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ रखने के बाद में अगर मान लो मैं नॉर्मली जो पसंद करता हूँ वो है कि मैं इसको येलो कलर कर देता हूँ, तो ये इज़ नॉर्मली माय नॉर्मल गो टू। और ये करने के बाद मैं इसको कंट्रोल टी करता हूँ, या फिर अगर आप चाहें तो इसी चीज़ को यहाँ पे सेलेक्ट करते हुए व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट स्क्रीन द साइज। और ये जो साइज़, अब देखो यहाँ पे बीच में जो गैप हो गए, तो इसी से करने के लिए मैं कंट्रोल ए करके यहाँ कैरेक्टर में आता हूँ। कैरेक्टर में आने के बाद में जो इसका जो बीच में गैप है इसको मैं बढ़ा दूंगा। थंबनेल इसमें बनाना, फोटोशॉप में बनाना विल डेफिनेटली रिक्वायर कि आपके पास में थोड़ी सी नॉलेज हो इसको फोटोशॉप को यूज़ करने के लिए। कंट्रोल टी करूँगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इसको थोड़ा सा अगर रोटेट करना है कर दूंगा, थोड़ा सा और बड़ा करना है कर देते हैं यहाँ पे, ये हो गया। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे ड्रॉप शैडो ऐड कर लूँगा थोड़ी सी, और इसका जो एंगल है थोड़ा सा वो चेंज कर लेते हैं, ये हो गया। अब अगर मान लो कि मेरे को इसके नीचे ना कोई कलर ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ना एक लेयर नहीं बना के और इसमें जाऊँगा, और ये जो ब्लू वाला कलर है ना, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके और यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। अब अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे कुछ और एलिमेंट को ऐड करना है, तो ये हो गया YouTube का PNG। और यहाँ पे जब ये चीज़ को मैं कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं डायरेक्टली गो एंड कंट्रोल वी, यानी कि मैं पेस्ट कर सकता हूँ। इस चीज़ को अगर साइज़ बढ़ाना है वो बढ़ा सकता हूँ मैं, और इस चीज़ को मान लो कि यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, जहाँ भी रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और मे बी से अगर आपको इसके पीछे भी रखना है थोड़ा और बड़ा करने के बाद में, तो वो यू कैन डू दैट इज़ वेल। जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू क्रिएट। आप काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं वहाँ पे, जो काफ़ी ओपन रहेगा आप चीज़ के लिए। पर इस चीज़ के लिए डेफिनेटली आपको एक लैपटॉप चाहिए और फोटोशॉप की नॉलेज चाहिए। हाँ जी, तो ये हैं वो तीन तरीके, जिसमें से पहले दो काफ़ी ईजी हैं, तीसरे में थोड़ी सी आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होगी, लैपटॉप की ज़रूरत होगी। पर मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप पहले के दो यूज़ करके अपना काम चला सकते हैं तो वही यूज़ कीजिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाते हैं प्रोसेस। और इस वाले वीडियो में सिर्फ यही चीज़ शेयर करना चाहता था, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुआ
तो जाने के पहले लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, बिकॉज वाई नॉट, एंड सब्सक्राइब टू पैसा वैसा, क्योंकि आगे भी रेगुलरली काफी अमेजिंग वीडियोज आते रहेंगे जो प्रीटी श्योर आप मिस नहीं करना चाहेंगे। बाकी मैं मिलूंगा आपको कल सुबह नए एपिसोड के साथ में यूट्यूब सीरीज के 10:45 पर। तब तक के लिए टेक केयर।